अभी तक आपने आपके इंडियन बाइक 3D गेम को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जो है अपडेट इसमें आते रहते हैं इस गेम में। और इस गेम की खासियत ये है कि यार ये गेम ना काफ़ी इंडियन, एकदम इंडियन को, इंडियन कल्चर को देखकर जो है बनाया गया है, रोहित गेमिंग स्टूडियो के द्वारा बनाया गया है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। अभी अपन गेम के अंदर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा रोहित गेमिंग स्टूडियो वर्जन 32। ये जो है 32 मतलब 32 वाला वर्जन है इसका। यहाँ पर यदि आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग मिलती है कंट्रोल की, शेडो क्वालिटी की एंड कैम डिस्टेंस की, जो कैमरा की डिस्टेंस है वो। एंड हम यहाँ पर यदि चैलेंज पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर मेगा रैम, फन ट्रैक, जुरेसिक पार्क एंड जोम्बी मोड देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस इसमें से आपको कौन सा मोड पसंद है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बैक जाते हैं और हम प्ले पर क्लिक करते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमने किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ा है, हमने प्ले पर क्लिक किया है। इसके ग्राफिक्स जो है काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। वैसे आपने इस गेम को खेला होगा तो आपको पता होगा कि इसके ग्राफिक्स कैसे लगते हैं। सबसे पहले जो है मैं अनलिमिटेड हेल्थ मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम अभी डायनासोर के पास में जाने वाले हैं और डायनासोर जो है हमें मार सकता है। और इसमें जो भी नए अपडेट आए हैं उन अपडेट के बारे में हम जानेंगे, उन अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट के बारे में पता होगा कि एक बोर्ड का अपडेट आया है, बोर्ड का, और उसका चीट कोड जो है वो 3001 है। यदि आप डायल करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड जो है आ जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड जो है पानी में ही ड्राइव करने के लिए बनी है, तो इसमें आप पानी में ही राइड कर सकते हो, इसे आप जैसे सड़कों पर ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़े फिजिक्स के लोगों को भी देख कर बनाया गया है। यहाँ पर यदि आप समुद्र में जाओगे पानी के पास में तभी इसको आप ड्राइव कर पाओगे। चलिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे पास में हेलीकॉप्टर नहीं, यहाँ पर पुलिस स्टेशन दिख रहा है। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन के पास में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो है नया अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा कि आपको पहले से पता होगा, आपको पहले से ही पता होगा कि इस गेम के अंदर जो है यहाँ पर यदि हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें जो है पुलिस देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें जो है गार्ड, बाहर सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं, अभी हम उतरते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पुलिस स्टेशन जो कि पहले भी लिखा हुआ था यहाँ पर था वैसा के वैसा ही, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस वाले नहीं रहते थे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर रिसेप्शन पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तीन तीन पुलिस वाले, इनसे आप लड़े झगड़ा कर सकते हो। हालांकि इनको आप कुछ भी करोगे, मतलब इनको हार्म करोगे तभी आप पर अटैक करेंगे, वरना ये कुछ भी करने वाला नहीं है, वरना आप चाहो तो इनके ऊपर भी खड़ा हो सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं पुलिस वाले के ऊपर खड़ा हो गया हूँ गाइस यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए शायद इनकी कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, शायद इनको मैंने ही मारा होगा, और एक अंदर जेल में कोई कैदी भी बंद है, उसको शायद मैं छुड़ा नहीं सकता। ठीक है, अभी मैं ऊपर चलता हूँ। यहाँ पर यदि आपको पहले पता हो तो पहले जब यह अपडेट नहीं हुआ था, पहले वाले अपडेट में यहाँ पर क्या एक दीवार थी। ठीक है, दीवार थी तो हम ऊपर फ्लोर पर नहीं जा पा रहे थे, तो वो इशू आ रहा था, बहुत ही बड़ा इशू था, जो कि अब गेम के डेवलपर ने जो है इसको सही कर दिया है हमारे रोहित भाई। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर हम फ्लोर पर आए हुए हैं और हम जो है ऊपर सीढ़ियों से जा रहे हैं, और यहाँ पर आप ऊपर का नज़ारा काफ़ी देख सकते हो यहाँ पर। और गेम के ग्राफिक्स में थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड भी करता है आपकी डिवाइस के ऊपर। हालांकि मैं इसे रेडमी K20 Pro में खेल रहा हूँ, तो वेल ये थोड़ा मोबाइल जो है काफ़ी अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है बट हाँ काफ़ी अच्छा है। इसमें जो रैम है वो 8 GB रैम है, और मेमोरी की बात करें तो 256 GB मेमोरी है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सामने आपको चिलगाड़ी देखने को मिल जाती है, हेलीकॉप्टर जो आपको एरोप्लेन देखने को मिल जाते हैं। एयरपोर्ट है सामने से, एयरपोर्ट का नज़ारा है, और यहाँ पर ये पूरा पार्क है, आप देख सकते हो पूरा प्लेग्राउंड, आप खेल सकते हो। और इधर जो है बिल्डिंग वगैरह है, यहाँ पर रैंप वगैरह लगे हुए स्टंट करने के लिए, और बड़े बड़े बिल्डिंग है, और यहाँ पर खजूर भी लगी हुई, खजूर पर खजूर नहीं है गाइस, यदि आप खाना चाहो तो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ग्लिच मिल रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ही गेम का ग्लिच कह सकते हैं, क्योंकि मेरी डिवाइस में तो मतलब काफ़ी सफिशियंट पावर है ये हैंडल करने के लिए, गेम खेलने के लिए। ठीक है, बाकी चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ गए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, और मैं काफी दूसरे अपडेट की बात कर रहा था, तो उस दूसरे अपडेट की भी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। मुझे ये वाला अपडेट आपको पहले बताना था कि यहाँ पर जो है पहले पुलिस नहीं थी, अब जो है पुलिस वाले यहाँ पर आ गए। ठीक है, अभी यहाँ से अपन चलते हैं, यहाँ से चलने के बाद में रुकिए जरा, यहाँ से निकलते हैं अपन। और यहाँ से निकलने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर व्हीकल्स तो उतने ही हैं, बाकी आप चाहते हो तो मोर NPC मोर व्हीकल्स भी डायल कर सकते हो, उसके भी चीट कोड अवेलेबल है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सारे चीट कोड अवेलेबल करा दूंगा। सिंपल सा वे गाइस, वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं डायनासोर की। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर डायल करता हूँ 50, तो आप देख सकते हो बेबी डायनासोर आ गया यहाँ पर, यह वेलोसिराप्टर। और 51 डायल करता हूँ तो यहाँ पर टीरेक्स आ जाएगा, 52 डायल करता हूँ तो यहाँ पर स्पाइनो आ जाएगा, और 53 डायल करने पर यहाँ पर जो है ब्रेच आ रहा है। सो ये इतने सारे जो है डायनासोर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अभी कुछ एक लॉकिंग वाला जो सिस्टम है RGS टूल में ऐड किया गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अटैक। ओके, मैंने लिखा अटैक एंड देन इसको अप्लाई किया, टारगेट मोड ऑन। ठीक है, टारगेट मोड जो है वो ऑन हो गया है, मुझे टारगेट जो है सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पर गोली मारता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो
कुछ हो क्यों नहीं रहा है। टारगेट लॉक्ड, टारगेट लॉक्ड हो गया है। आई थिंक कुछ लॉक्ड हुआ है, टारगेट लॉक्ड हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट मोमेंट वेट करना, यहाँ पर इस अपडेट का जो है हम मज़ा लेंगे यहाँ पर। या सो टारगेट लॉक्ड, टारगेट लॉक्ड है। वेट अ मिनट, मुझे शायद अटैक करना पड़ेगा। अटैक, टारगेट मोड ऑन। ओके, टारगेट मोड ऑन है। जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने इसको शूट किया। तेरी ये क्या है बे? ये क्या हुआ? मैं तो टारगेट लॉक कर रहा था भाई, मैं टारगेट लॉक कर रहा था। जस्ट अ मोमेंट, हाँ मैं ना सबसे पहले अटैक, टारगेट मोड ऑन है। ठीक है, टारगेट मोड ऑन है। मैं ना 52 डायल करता हूँ। ठीक है, ये आ गया स्पाइनो। अभी मैं इसे, हाँ लॉक्ड, ये लॉक्ड है। और ये क्या, तो मर गया? ये कौन सी बात है भाई? अबे तेरी, लॉक्ड हो गया था। अच्छा इसको मारता हूँ, लॉक्ड, ये लॉक्ड है अब। और लेट्स सी ये क्या करता है, ये क्या कर रहा भाई, तू कर क्या रहा भाई। लेट्स सी यहाँ पर कोई एनपीसी है, लेट्स सी इस एनपीसी को मारता हूँ। अबे गड्डी है बे इधर। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि रोहित गेमिंग स्टूडियो, जिनके द्वारा गेम जो है डेवलप किया गया है, उनका ये यूट्यूब चैनल आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर रोहित गेमिंग स्टूडियो नाम से 1.74 मिलियन जो है इनके सब्सक्राइबर है। एंड यहाँ पर इन्होंने 10 दिन पहले गेम प्ले डाला हुआ था, अपडेट डाला हुआ था वर्जन 32 का। ठीक है, तो इसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये नए कुछ भी अपडेट वगैरह आती है तो ये जो यहाँ पर बताते हैं, ये डेवलपर है गेम के, इसी गेम के डेवलपर है। लेट्स से आप प्ले स्टोर पर चलते हैं अपन। सो गाइस, यहाँ पर अपन प्ले स्टोर पर आ गए इस गेम के, और यहाँ पर देख सकते हो उसके 10 करोड़ डाउनलोड है, 4.3 की रेटिंग है, 11 लाख रिव्यूज़ है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, 1 मिलियन लोगों ने रिव्यूज़ दिए, 1 मिलियन से भी ज़्यादा। एंड यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये सब दिए हुए, वेबसाइट वगैरह, ईमेल वगैरह दिए इन्होंने। एंड यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है चीट कोड का पूरा भंडार है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा भंडार है चीट कोड का। यहाँ पर इतने सारे चीट कोड जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। आप आए दिन यूट्यूब पर सर्च करते हो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि का चीट कोड क्या है, स्प्लेंडर का चीट कोड क्या है, फरारी का चीट कोड क्या है, जेटपैक का चीट कोड क्या है। भाई साहब, गेम के डेवलपर ने ही चीट कोड बताकर रखे। इवन जो रोहित रोहित भाई है, उन्होंने उनका एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये चीट कोड है, उन्होंने चीट कोड बताया है भाई साहब। तो यहाँ पर आप गेम में भी जाकर, यहाँ पर अबाउट में जाओगे ना, अबाउट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर अबाउट दिस गेम में जाना है। एंड यहाँ पर आपको इतने चीट कोड देखने को मिल जाते हैं भाई साहब। यदि मैं काउंट करता हूँ इनको, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 49 57 56 55 56 57 58 59 60 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61
80 से ज़्यादा चीट कोड है। इन सारे चीट कोड को यदि आप गेम में एक बार एक्टिवेट कर लेते हो तो भाई गेम का जो मज़ा है वो अलग ही लेवल का हो जाता है। मतलब यहाँ पर बोट का है, थार का है, और वेलोसीरेपटर का है, टेरेक्सा है, स्पाइनो का है, और ब्राइचोरोसॉरस क्या बोलते हैं इसको, जेसीबी, हमर कार है, बोलेरो है, जेट पैक है, जेट पैक मिनी है, सुपरा है, मुस्टेंग, फरारी, सुपरा स्प्लेंडर, जोम्बी टैंक, डाइनो, इन्फाइनेट हेल्थ, एंडेवर, नाइट मोड, ट्रक, ट्रक विद ट्रेलर, भाई साहब इतने सारे चीट कोड है। एंड यहाँ पर नीचे गेम की जानकारी दी गई है, वर्जन 32 है, अपडेट किया गया 6 मार्च को जो है इसे अपडेट किया गया था, और एंड्रॉयड 4.4 से अबव जो है ओएस इसके लिए चाहिए, और इसको 28 दिसंबर 2020 को रिलीज़ किया गया था। एंड काफ़ी पॉपुलर हो गया इतने टाइम में, मतलब 4 साल हो गए इसको रिलीज़ करे हुए। यहाँ पर इतने सारे डाउनलोड है इसके, 6 मार्च को इसको नया अपडेट किया गया भाई साहब गेम का, तो काफ़ी है। यहाँ पर यदि आप देखते हो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू, न्यू बोट, न्यू कार, बग फिक्सेस, जो बग है वो उनको फिक्स किया गया है, न्यू कार वगैरह ऐड की गई है। और मैंने आपको बताया ये जो है YouTube चैनल है रोहित गेमिंग स्टूडियो, जहाँ पर आप इनके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और यदि आप यहाँ पर इनके अबाउट सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन गेम डेवलपर रोहित
चौहान है ये, रोहित गेमिंग स्टूडियो नाम इनका रोहित चौहान है, और ये इन चैनल 2017 से जो है बनाया हुआ था, और 11 वीडियोस इनके चैनल पर जो है अपलोड है, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं है, सिर्फ 11 वीडियोस, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2 साल पहले डाला हुआ था, ऐसा गेम था ये, मतलब ये 2 साल पहले ऐसा गेम था, फिर उन्होंने जो अपडेट लाया भाई साहब, इतने लोगों ने देखा, और इवन सबसे पॉपुलर इनका वीडियो देखते हो ना आप, तो ये वाला जो है सबसे पॉपुलर इनका 37 मिलियन व्यूज है इस पर, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D एंड्रॉइड गेम प्ले ऑल चीट कोड, यहाँ पर आप ऑल चीट कोड आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस, इतने सारे वीडियो इन्होंने चीट कोड रिवील कर रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट करो यार, चेकआउट क्यों नहीं करते हो आप, यूट्यूब पर सर्च करते हो चीट कोड चीट कोड, अरे भाई जब गेम का डेवलपर चीट कोड बता रहा है, इवन गेम के अंदर प्ले स्टोर में आपको चीट कोड पूरे लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर पूरे के पूरे चीट कोड लिखे हुए, तो फिर क्यों इधर उधर सर्च करना फालतू में, चीट कोड पूरे लिखे हैं यहाँ पर प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आओ सर्च करो, यहाँ पर देखो अभी इतने सारे चीट कोड है यहाँ पर, और भाई गेम को ना टाइम टू टाइम अपडेट कर लिया करो, क्योंकि गेम के डेवलपर ना काफ़ी गेम के ऊपर लगे हुए हैं, और टॉप फ्री इन सिमुलेशन, सिमुलेशन में नंबर वन पर चल रहा है ये गेम, देख सकते हो आप यहाँ पर, यदि आप जाते हो प्ले स्टोर पर तो नंबर वन पर चल रहा है, बाकी ये गेम प्ले चल रहे सिमुलेशन में, ये इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसके भी यदि आप देखोगे तो व्हील्स मॉडिफिकेशन ऐड किया इन्होंने, न्यू कार रेट करिए, न्यू ट्रैक्टर रेट करे, और इसके भी 1 करोड़ डाउनलोड है, और 4.4 की रेटिंग है, और 2 लाख लोगों ने जो है रिव्यू दे रखे हैं, ये गेम भी मेरे पास में है, इसके भी गेम प्ले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी अभी के लिए गेम प्ले खत्म करते हैं, आपकी जो भी डिमांड है इस गेम के रिलेटेड आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ताकि मैं जो है ये आगे रोहित भैया को फॉरवर्ड कर सकूँ।